नमस्कार, आप देख रहे राजनीति, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आई राजनीति में कौन सी वो पांच खबरें हैं बड़ी, एक नजर डाल लेते हैं। तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो राजनीति पर आज हावी रहे हैं। पांच तस्वीरें हैं। एक तरफ हुड्डा ने किया आरक्षण कान, दूसरी तरफ मानसून सत्र में बरसेगा विपक्ष, यानी तैयारी मानसून सत्र के लिए विपक्ष ने कर ली है ताकि सरकार को घेरा जाए, क्योंकि अभी हाल ही में इस साल के अंत तक चुनाव भी हैं और ऐसे में सत्ता पक्ष को घेरने का एक बेहतरीन मौका विपक्ष के पास है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आपके पास देख पा रहे हैं आप, मायावती की बड़ी शर्तें कांग्रेस के ऊपर थोप रही हैं मायावती। इसके अलावा बुआ भतीजे के अंदर बातचीत हो रही है, बुआ भतीजे के अलावा भैया में भी खींचमतान मची हुई है। चुनावों की सबसे बड़ी बाधा इस वक्त क्या है, आइए वो भी आपको बताएंगे। राजकुमार सैनी उन आरोपों को बाबुलंद आवाज दे रहे हैं जो अब तक दबी जुबां से कहीं सुनी जा रही थी। सैनी ने ऐसा क्या कह डाला उनके निशाने पर, आखिरकार कौन आ गया, देखिए इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र के राजकुमार इन दिनों सूबे के सियासी महाभारत में बड़े चर्चित हैं। अपने अंदाजे बयां और अपनी तल्ख मिजाजी को लेकर वो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजनीति में आपसी द्वंद्व और आरोपों से लबरेज बयानबाजियां बहुत आम हैं, लेकिन सांसद राजकुमार सैनी उन बयानों और खरे अंदाज में बात रखने का मादा भी रखते हैं। एक बार फिर से वो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए और उनके निशाने पर कोई और नहीं, सूबे के ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। राजकुमार सैनी ने हुड्डा को आरोपों के कटघरे में रखते हुए उन आरोपों को बाबुलंद आवाज दे दी जो अब तक कहीं सुनी तो जा रही थी लेकिन दबी जुबां के साथ। राजकुमार सैनी ने 2016 के आरक्षण कांड के लिए सीधे सीधे पूर्व सीएम हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जिस रोहतक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पूर्व सीएम हुड्डा ने पैसा बहा दिया, फिर उसी को राजनीतिक लालसा के चलते आग के हवाले भी कर दिया। तो स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग सरकार के कितने भूखे हैं, सत्ता के कितने भूखे हैं। सत्ता की भूख में इन्होंने ये भी देखा कि जिस रोहतक का श्रृंगार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश के लोगों के हितों को छीन करके रोहतक के श्रृंगार में लगाया, उसी रोहतक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हाथों से आग लगवाई। जो इसके आदमी थे वो कहीं ना कहीं इनकी पारिवारिक कड़ी से जुड़े हुए हैं। सांसद राजकुमार सैनी के इन बयानों से साफ इशारा मिल रहा है कि वो आरक्षण आंदोलन की आड़ में रोहतक में हुई आगजनी और उपद्रव के पीछे पूर्व सीएम हुड्डा और उन्हीं के लोगों का हाथ बता रहे हैं। हरियाणा में साल 2016 का वो भयानक मंजर आज भी भुलाए नहीं भूलता। पूरा हरियाणा और खास तौर से रोहतक ने उपद्रव का जो तांडव देखा था उसे हरियाणा के इतिहास में हमेशा काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता रहेगा। सांसद राजकुमार सैनी ने बड़ी बेबाकी के साथ पूर्व सीएम हुड्डा को इन सब के लिए जिम्मेदार तो ठहरा दिया, लेकिन उस कांड के पीछे के आका के नाम का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। उम्मीद है सियासत की जिस आग में प्रदेश को झोंका गया था उसके असल गुनहगार भी जल्द सलाखों में देखे जाएंगे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड़ की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रणदीप रोड़ फिलहाल फोन लाइन पर हैं। रणदीप, अब राजकुमार सैनी भी हुड्डा के खिलाफत में उतर आए हैं पूर्ण रूप से और रोहतक को जलाने के लिए वो हुड्डा को ही दोषी मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि जिस रोहतक का उन्होंने विकास पूरे हरियाणा के हितों को अनदेखी करके किया और ये कहा जाता था कि पूरा का पूरा जो हरियाणा का जो विकास है देखना है तो रोहतक में जाइए, उनका साफ साफ ये कहना था कि आज के उसका जो आगजनी जो वहां पे हुई जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान तो उन्हीं के लोगों ने की और वो साफ साफ आपने देखा है इस तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए एक तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए रणदीप। तो राजकुमार सैनी खुलकर
अब विरोध में उतर आए हैं और खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि हुड्डा ने एक तो पूरे प्रदेश का पैसा रोहतक की विकास में उसे चमकाने में लगाया और फिर सत्ता का लालच ऐसा कि उसी रोहतक को अपने ही हाथों से आग के हवाले करा दिया। मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। मुद्दे तैयार किए जा चुके हैं। कारण यह है कि अगले सत्र से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा इस सत्र को राजनीति चमकाने का अखाड़ा बनाया जाने वाला है। किन दलों की तरकश से कौन से तीर छूटेंगे, क्या है विपक्ष की तैयारी, देखिए रिपोर्ट। अठारह जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सत्र में विपक्षी पार्टियां राफेल डील, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी से लेकर ललित मोदी और विजय माल्या जैसे भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन में SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने का सवाल भी विपक्ष उठाएगा। मुद्दे सिर्फ इतने ही नहीं है बल्कि मॉब लिंचिंग, दलित उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे मुद्दे भी इस बार संसद में गूंजेंगे। विपक्ष इस बार मुद्दे तो उठाएगा लेकिन विरोध प्रदर्शन और हंगामे का ठीकरा इस बार अपने सर पर नहीं फोड़ेगा। इसके लिए भी व्यापक तैयारी की गई है। अब अगर भविष्य में संसद नहीं चली, हंगामा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाली जाएगी। विपक्ष की इन तैयारियों को देखते हुए मानसून सत्र में सत्ता पक्ष के पास एक बार फिर एक कड़ी चुनौती है। विपक्ष ने जहां कड़े तेवर किए हैं तो सत्ता ने भी विपक्ष की धार कुंद करने की तैयारी कर ली है। क्या है सत्ता पक्ष की चुनौती? राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव। सत्ता पक्ष मन माफिक उपसभापति चाहता है लेकिन उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। यदि विपक्षी दल एकजुट रहे तो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल हो सकती है। तीन तलाक से जुड़ा द मुस्लिम वुमन बिल 2017 है जिसे सरकार पारित कराना चाहती है। ये लोकसभा में मंजूरी पा चुका है और राज्यसभा में अटका है। संसद का मानसून सत्र इस बार कई लिहाज से बेहद खास है क्योंकि इस साल के अंत में मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं और विपक्ष के पास संसद का मानसून सत्र सरकार को घेरने का अच्छा मौका है। इसीलिए विपक्ष अपनी एकजुटता को दिखाने के साथ सरकार पर भरपूर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। खैर, इस बार भी पक्ष विपक्ष में जोरदार तकरार देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो विपक्ष के पास एक लड़ाई के लिए मौका होगा संसद के अंदर। वहीं दूसरी ही तरफ अब आगामी चुनावों के लिए भी कमर कसी जा रही है और कांग्रेस की सहेली मायावती एक ऐसी जबरदस्त शर्त थोप रही हैं जो कांग्रेस के रणनीतिकारों की रणनीति में पलीता लगा सकती है। माया अब मान नहीं रही, कहीं इस बीच ऐसा ना हो कि राहुल बाबा गाल ना फुला लें। खैर, आखिर माया की माया तो माया ही जानती है, पर आप ये रिपोर्ट देखिए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथी तलाशने की कवायद जोरों पर है, लेकिन कभी ममता कांग्रेस का दिल तोड़ देती हैं, तो कभी मायावती आंखें तरेर देती हैं। अब हाल ही में माया के तेवरों को ही देख लीजिए। कांग्रेस को दो टूक समझा रही हैं कि गठबंधन या तो तीन राज्यों में होगा या एक में भी नहीं होगा। माया के इन लफ्जों से जैसे कांग्रेस का दिल ही टूट गया हो, मेहनत पर पानी फिर गया हो। कांग्रेस के रणनीतिकार और MP कांग्रेस चीफ कमलनाथ एक तरफ BSP के साथ गठबंधन की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। माया है कि कांग्रेस से दोस्ती तो चाहती हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर BSP के इस मांग से कांग्रेस आलाकमान पशुपेश में है। एक तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव सर पर हैं और गठबंधन की कोशिशों को बल नहीं मिल रहा। आइए एक बार इन तीनों राज्यों की स्थिति समझ लेते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 2013 में BJP के पास 163 सीटें आई और कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 2013 इलेक्शन में BJP के खाते में 49, कांग्रेस के खाते में 39, BSP के खाते में 1 और निर्दलीय के खाते में भी 1 सीट गई।
वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 165 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 58, बीएसपी के पास 4 और अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। माया अपनी जिद पर हैं। राजस्थान यूनिट को माया की चाहत नहीं। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि इस मुद्दे को बहुत सावधानी से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी की राजस्थान यूनिट बीएसपी के साथ गठबंधन की इच्छुक नहीं है, जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में इसकी पुरजोर पैरवी की जा रही है। अब राजस्थान ने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार सिमट रही कांग्रेस माया के कारण अपनों से नाराजगी नहीं चाहती है और ना ही माया बगैर दलित वोट बैंक खोना चाहती है, क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ यूनिट में दलित वोट बैंक का साथ एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, जो दोनों राज्यों में लगातार 15 साल से चली आ रही बीजेपी की सत्ता पर विराम लगा सकता है। इसके उलट राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को अपनी बदौलत ही सत्ता में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले कई चुनावों से सूबे की राजनीतिक तासीर ही ऐसी है कि यहां सत्ताधारी दल का चुनाव में फिर से जीत कर आना बेहद मुश्किल है। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की स्टेट यूनिट को इस चुनाव में अपनी बारी दिख रही है। पशुपेश में फंसी कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस अभी कोई रिस्क तो नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि यहां सवाल साख का है। कयास है कि कांग्रेस राजस्थान में बीएसपी की सीटों की डिमांड को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसके साथ गठबंधन की राह में रोड़ा नहीं बनने देगी। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने तीनों राज्यों में गठबंधन की बीएसपी की मांग पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन पार्टी चाहती है कि बीएसपी को कुछ ही सीटों से संतुष्ट किया जाए। लेकिन क्या माया कांग्रेस की शर्तों पर संतुष्ट होंगी, वो भी ये जानते हुए कि जरूरत कांग्रेस को है। खैर, राजनीति के गणित में अंदर खाने भी कई समझौते होते हैं, शायद कुछ ऐसा ही कर कांग्रेस माया को मना ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लोकसभा चुनाव की कसरत में कई सियासी दलों के हौसले चूर होते दिख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में चुनावी समीकरण अलग हैं। किस राज्य में कौन सा दल किस अंदाज में सियासी प्यादे सेट कर रहा है, ये बड़ा दिलचस्प नजारा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ২০১৯ के लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। देश के दोनों प्रमुख दल नए गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन उनके सामने सीट शेयरिंग का मसला सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर रहा है। पहले जिन राज्यों में बीजेपी जूनियर पार्टनर के तौर पर थी, अब वहां उसने अपना दबदबा बढ़ाया है। इस फहरिस्त में अगर बात 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ बीजेपी ने 71 सीटें जीती, जबकि सहयोगी अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं सपा 5 और कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गए थे। सबसे बड़ा झटका तो बीएसपी को लगा था, जो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन यूपी में बीजेपी की 71 सीटों वाली बड़ी मुस्कान उपचुनाव के नतीजों से कुछ सिकुड़ भी गई। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में हुए उपचुनावों में एकजुट विपक्ष का परीक्षण हुआ, जो उनके पक्ष में गया। ऐसे में वो ये मानकर चल रहे हैं कि मोदी नाम एक तूफान ही था जो अब गुजर चुका है, लिहाजा यूपी में विरोधियों की उम्मीद कायम है। 2019 के चुनाव को लेकर यूपी में विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। अगर यहां पर संभावित सीट शेयरिंग की बात की जाए तो सपा 2014 में जीती गई 5 सीटें, 31 सीटें जिन पर वो दूसरे नंबर पर रही थी, कुल 36 सीटों की मांग कर सकती है। बसपा 34 सीटों की मांग रख सकती है जिन पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस 2014 में जीती 2 सीटों और 6 सीटें वो जिन पर दूसरे नंबर पर रही थी, कुल 8 सीटों की मांग कर सकती है। जबकि 2014 में एक सीट पर जीती आरएलडी भी 3 सीटों की मांग कर सकती है। लोकसभा के 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में 2014 में बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी। 18 सीटें शिवसेना के खाते में गए, जबकि एनसीपी को 6 सीट हासिल हुई थी। कांग्रेस शेतकारी संगठन को एक एक सीट पर जीत मिली। शिवसेना ने घोषणा की है कि वो बीजेपी के साथ 2019 का चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र में अब शिवसेना की तुलना में बड़ी पार्टी है।
कांग्रेस और एनसीपी ने उपचुनाव मिलकर लड़ा था और उम्मीद है कि अगला लोकसभा चुनाव भी वो साथ ही लड़ेंगे। बीजेपी और शेतकारी संगठन को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना है और ऐसे में उनके लिए साथ रहना ही बेहतर होगा। पश्चिम बंगाल में 2019 में होने वाले चुनाव के लिहाज से दिलचस्प राजनीति देखने को मिल सकती है। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में साल 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने 34 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया था जबकि सीपीएम और बीजेपी महज 2-2 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी ने 2019 के लिए 22 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रख रखा है। पिछले कुछ महीनों में हुए चुनावों में उसका वोट शेयर भी बढ़ा है और राज्य में बीजेपी तृणमूल की मुख्य विपक्षी पार्टी भी बनकर उभरी है। बिहार में इन दिनों गठबंधन को लेकर रस्साकशी हो रही है। यहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 40 में से 22 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। एलजेपी को 6, आरएलएसपी को 3 सीटें हासिल हुई थी। अकेले चुनाव लड़ने वाली जेडीयू को महज 2 ही सीट मिल पाई थी जबकि आरजेडी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस बिहार में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। 2019 के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव में संभावित सीट शेयर की बात करें तो स्थिति फिलहाल साफ नहीं है। जेडीयू एनडीए गठबंधन में रहना तो चाहती है लेकिन उसने ज्यादा सीटों की मांग की है। पिछले चुनाव में आरएलएसपी जेडीयू से मजबूत थी लिहाजा उसने भी ज्यादा सीटें मांगी है। मुस्लिम यादव वोटर्स से आरजेडी का जनाधार बढ़ा है लिहाजा वो कांग्रेस का साथ छोड़ अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। यहां जेडीएस कांग्रेस और बीएसपी की तिकड़ी ने मिलकर सरकार बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में 17 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में 9 सीटें जीती थी जबकि जेडीएस महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं जबकि बीजेपी को यहां अपने दम पर ही कमाल करना होगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे बड़े राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे छोटे राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 38 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु की तस्वीर भी दिलचस्प है। डीएमके ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ अपने गठजोड़ को जारी रखेगी और एआईएडीएमके की तुलना में चुनाव जीतने के लिए मजबूत स्थिति में दिख रही है। यहां बीजेपी के लिए संभावनाएं काफी कम बच रही हैं। उड़ीसा में बीजेपी क्या बीजेडी को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर चुनौती दे पाएगी ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। और चलिए वक्त यहाँ पर बहुत ही छोटा से ब्रेक का लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।